यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रमजान के पाक महीने में शांति की पहल करते हुए भारत सरकार ने कश्मीर सेना के ऑपरेशन को ना चलाने का फैसला लिया है, लेकिन लगता है कि आतंकियों पर इसका कोई असर नहीं है। रमजान के पहले ही दिन श्रीनगर में कुछ पुलिस वालों से हथियार छीने गए हैं। बताया जा रहा है कि ये हरकत कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने की है और श्रीनगर के एक होटल में तैनात पुलिस गार्ड से 3 बंदूकें छीनी गई। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के एक ग्रुप ने होटल हिल्स काट में मौजूद पुलिस गार्ड पर हमला बोल दिया और उनके पास मौजूद 3 INSAS राइफल को छीन लिया। इस घटना के बाद ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि यह घटना मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के घर के पास हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि रमजान के महीने में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि आतंकियों की ओर से हमला होने की सूरत में सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई कर सकेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग पर जम्मू कश्मीर में सशर्त सीज फायर का आदेश जारी किया है।